हेलो एवरीवन, विक्की चौहान दिस साइड। आज मैं बात करने वाला हूँ हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है। सी, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं फिर भी आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है, या फिर आप डायबिटीज से परेशान है, आपका डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है, या यूं कह लो कि अगर आपको आप प्रॉपर डाइट के बाद भी आपको हमेशा थकान महसूस हो रही है, आपको फटीग महसूस हो रहा है, या फिर आपके बाल नहीं रुक रहे, आपके हेयर फॉल नहीं रुक रहे हैं, आपने बहुत सारे कॉस्मेटिक शैम्पूज या फिर अदर प्रोडक्ट्स आपने ट्राई किए फिर भी आपको एक हेयर फॉल जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, या फिर स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जैसे एक्ने, पिंपल्स, इन तरीके की प्रॉब्लम है, फिर और वो स्किन प्रॉब्लम आपके हमेशा आपने बहुत कुछ ट्राई किया फिर भी वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो इसके पीछे जो रीजन है, जो कारण है, वो हार्मोन का आपके बॉडी में इम्बैलेंस होना है। अब ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है, मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। सी, हमारे शरीर के अंदर 53 ट्रिलियन सेल्स हैं और 200 से भी ज्यादा हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर हैं। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स एक मैसेंजर है हमारे बॉडी में, हमारे शरीर को, हमारे ब्रेन को मैसेज देने का, आप कैसा फील कर रहे हो, आपको कब भूख लगा, कब भूख नहीं लगा, किस तरीके का आपकी इमोशंस है, किस तरीके की फीलिंग्स है, इन सारी चीज़ों का जो हमें मैसेज मिलता है वो हमारे हार्मोन्स के जरिए मिलता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है कि देखिए, हमारे बॉडी में प्रॉपर एक एडिक्वेट मात्रा में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, अगर वही हार्मोन्स की अपने लिमिट से ज़्यादा प्रोड्यूस होना या फिर अपने लिमिट से कम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो हम इसे कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। अब खुद सोचिए कि 200 से भी ज़्यादा हार्मोन्स, एक हार्मोन्स भी अगर इम्बैलेंस होता है तो आपके शरीर के अंदर क्या इम्पैक्ट होता है। उदाहरण के लिए थायराइड एक ऐसा हार्मोन्स है जो कि इम्बैलेंस होने की, यानी ज़्यादा होने या फिर कम होने की वजह से, इम्बैलेंस होने की वजह से आपके पूरा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है या मेटाबॉलिक हेल्थ है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करता है और आपको फटीग, आपको टायर्डनेस का एहसास होता है। इनफैक्ट अगर वो थायराइड हार्मोन ज्यादा बन रहा है तो उसकी वजह से आपको हाइपोथायरॉयडिज्म, कम बन रहा है तो हाइपरथायरॉयडिज्म के प्रॉब्लम्स आती है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस इज द मेन कॉज ऑफ एवरी काइंड ऑफ लाइफस्टाइल कंडीशन जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। प्रॉब्लम क्या है कि लोग ट्रीटमेंट से पहले रूट कॉज के बारे में नहीं जानते या उसके बारे में प्रॉपर अवेयर नहीं होते, जिसके वजह से उनको एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आज मैं बताऊंगा कि हार्मोनल इम्बैलेंस को फिक्स करने का, मेंटेन करने का जो कारण क्या है, कैसे आप मेंटेन कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता क्यों है, किन किन कारणों की वजह से ये हमारे बॉडी में हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, राइट। तो जो पहला कारण है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, बिल्कुल आप अगर प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वो भी एक रीजन है। आपके बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है जो कि रिलीज होता है और फिर वो प्रॉब्लम, फिर उससे आपको स्ट्रेस होता है, तो लैक ऑफ एक्सरसाइज। दूसरा, बैड फूड हैबिट या फिर पुअर फूड हैबिट के वजह से आपके खाने में अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, प्रॉपर वाइटमिन नहीं है, तो वो भी एक कारण है आपके बॉडी में हार्मोन का इम्बैलेंस होना। तीसरा कारण और मेजर कारण जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही आपको जानने की जरूरत है, कि तीसरा रीजन हमारे बॉडी में रेगुलर इन्फ्लेमेशन को होना। एक्चुअली आपको भी पता है कि हमारे बॉडी में रेगुलर इन्फ्लेमेशन होते हैं, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, जिसके वजह से हमें ये तमाम प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ज्वाइंट पेन, तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। बेसिकली हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है और वही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है और वही इन्फ्लेमेशन की वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये तीन मेजर रीजन है जिसके वजह से हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो मैं रिपीट करता हूँ, लैक ऑफ एक्सरसाइज, बैड फूड हैबिट एंड इन्फ्लेमेशन, राइट। अब इन तीन चीजों को आपने बैलेंस कर लिया तो आप देखोगे कि आपकी जो ओबेसिटी, एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों को कि भाई आपके पास विल पावर नहीं है जिसके वजह से आप अपना वेट लॉस नहीं कर पा रहे। सी, देयर इज, ये विल पावर की बात ही नहीं है यहाँ पे, जो बात हो रही है वो आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस की बात हो रही है कि वो अगर बैलेंस नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी खा लो, आप वेट रिड्यूस नहीं कर सकते, राइट। तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा, एटलीस्ट 25 से 30 मिनट आप डेली एक्सरसाइज कीजिए, कार्डियो, रनिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, जो भी आपको, स्कीपिंग है तो जो भी आपके अकॉर्डिंग सुटेबल एक्सरसाइज है यू कैन डू इट। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि इन्फ्लेमेशन और फूड हैबिट, राइट। अब इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा इन्फ्लेमेशन अब इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि इन्फ्लेमेशन और फूड हैबिट,
सी एज पर गवर्नमेंट ऑफ एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि अगर किसी ह्यूमन बॉडी को प्रॉपर सर्वाइव करना है या फिर प्रॉपर मेंटेन करना है तो डेली 13 इसेंशियल विटामिन्स और 13 इसेंशियल मिनरल्स आपको रेगुलर बेसिस पे आपको अपने खाने से लेने होंगे। विटामिन्स की अगर मैं बात करूँ तो विटामिन ए डी ई के, विटामिन B12, B6, B3, B8, B9, B7, ऐसे 13 इसेंशियल विटामिन है जो आपको अपने खाने से लेने होंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे मिनरल्स जैसे आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, फॉस्फोरस, जैसे कॉपर, जैसे कई सारे मिनरल्स जो आपको डेली चाहिए। और आज मुझे भी पता और आपे भी पता कि एक फूड सोर्स से इन सारे विटामिन्स और मिनरल्स को लेना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट? और शायद हम नहीं लेते। और आज हमारा जो बिजी शेड्यूल है, हमारा जो वर्क कल्चर है, वो हमें अलाउ नहीं करता है कि इतनी जो विटामिन्स मिनरल्स का जो मैंने रेंज बताया वो मेंटेन करी जाए। तो वॉट इज द अल्टरनेट सोल्यूशन दैट वी हैव? यस, वी हैव अ अल्टरनेट सोल्यूशन। वी आर वर्किंग ऑन सीबकथॉर्न। निरामित फूड्स प्राइवेट लिमिटेड हैज लॉन्च देयर प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न, लेट मी टेल अबाउट द सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न बेसिकली है क्या? सीबकथॉर्न एक ऑरेंज कलर का बेरी है जो कि लेह लद्दाख रीजन में होता है। पहले भी हमने इस वीडियो में हमने पहले भी बहुत सीबकथॉर्न के बारे में डिस्कस करी है, फिर भी मैं बताता हूँ। सीबकथॉर्न के अंदर 190 से भी ज्यादा बायोलॉजिकल एक्टिव कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। मैं बता रहा हूँ 190 से भी ज्यादा बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स सीबकथॉर्न के अंदर पाए जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि इट इज कंप्लीट नेचुरल प्रोडक्ट, ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं है। ये नेचुरली ग्रो होता है, नेचुरली इसके अंदर 190 पोषक तत्व होते हैं। विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। इनफैक्ट किसी भी फ्रूट की तुलना में सीबकथॉर्न में बहुत ज्यादा विटामिन सी है। 12 गुना ज्यादा विटामिन सी संतरे से है। अगर मैं विटामिन ए की बात करूं 3 गुना ज्यादा गाजर से है। विटामिन ई का बहुत अच्छा स्रोत है। कॉपर, आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम का बहुत अच्छा स्रोत है, राइट? उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सीबकथॉर्न में पाया जाता है और आपके बॉडी को जरूरत है, ओमेगा फैटी एसिड। ओमेगा फैटी एसिड, जैसे आपने ओमेगा 3 के कैप्सूल सुने होंगे कि हमारे बॉडी, हमारे, यस बिल्कुल, हमारे हेयर के लिए, हमारे स्किन के लिए, इनफैक्ट हमारे हार्ट के लिए ओमेगा 3 बहुत ज्यादा एक पावरफुल सप्लीमेंट है जो कि इंसान हमें डेली लाइफ में हमें इसको ऐड करना चाहिए, जो कि फिश ऑयल कैप्सूल से जनरली मिलता है। बट आपको सीबकथॉर्न से नेचुरली प्लांट बेस्ड अगर ओमेगा 3 चाहिए तो सीबकथॉर्न से आपको इजिली मिल जाता है। फ्लैक्सीड ऑयल में भी होते हैं नो डाउट, बट सीबकथॉर्न में एडोकेट मात्रा में जितना इंसान को चाहिए, ह्यूमन बॉडी को चाहिए, उतना आपको प्रॉपर मिल जाता है, राइट? अब सी ओमेगा 3-6, दो ओमेगास होते हैं मेनली। ओमेगा 7-9 तो सीबकथॉर्न में पाए जाते हैं, लेकिन मेनली दो ओमेगास के बारे में जानते हैं। अगर आप देखो, अगर आपके बॉडी में ओमेगा 3 एंड 6 का भी प्रॉपर बैलेंस नहीं है ना, फिर भी हार्मोनल इंबैलेंस भी एक कारण है कि आपके बॉडी में ओमेगा 3 एंड 6 का बैलेंस फॉर्म नहीं है। बैलेंस फॉर्म किसको? यानी अगर आप देखिए, बैलेंस फॉर्म का मतलब ये समझे कि आप जो ज्यादा जो आप तेल, जो वेजिटेबल ऑयल लेते हैं तो उससे आपको ओमेगा 6 तो मिल जाता है बट ओमेगा 3 नहीं मिलता। ओमेगा 3 या तो सैलमन फिश या फिर फ्लैक्सीड ऑयल, ऐसे कुछ एवोकाडो, ऐसे चीजों से आपको ओमेगा 3 मिलता है जो कि हमारे डाइट का हिस्सा जनरली नहीं होता है, जिसके वजह से हमें ओमेगा 3 में लैक करना पड़ता है। तो देखिए, अगर बैलेंस फॉर्म, क्या बैलेंस फॉर्म से मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर अगर आप 2 ग्राम ओमेगा 6 ले रहे हो तो आपको एटलीस्ट 1 ग्राम ओमेगा 3 भी लेना पड़ेगा। इसी को हम बैलेंस फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 एंड 6 बोलते हैं, 1:2 के रेशियो में आपको लेना पड़ेगा। अगर आप, इनफैक्ट एक रिसर्च है, मैं आपको बताता हूं कि अगर आप बैलेंस फॉर्म में यानी 1:2 के रेशियो में ओमेगा 3 एंड 6 लेते हैं तो जितने भी आपके बॉडी में बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं ना, वो डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है बैलेंस फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 एंड 6। तो इतना, मतलब इतना ज्यादा बेनिफिट ओमेगा 3 एंड 6 का है हमारे बॉडी के अंदर। तो आप अगर चाहो तो एज अ हेल्दी ऑल्टरनेटिव सीबकथॉर्न को अपने लाइफ में ऐड करके आप हार्मोनल इंबैलेंस और बेसिक एक्सरसाइज करके आप हार्मोनल इंबैलेंस को क्योर कर सकते हो। यानी आप अपने डायबिटीज, अपने हेयर फॉल, अपने स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम और जो क्रोनिक फैटीज है, इन तमाम प्रॉब्लम को आप क्योर कर सकते हैं, आप रिवर्स कर सकते हैं बाय जस्ट एडिंग आवर प्रोडक्ट सीबकथॉर्न जूस। थैंक यू सो मच।